एक तो पार्टी के लिए इतना लेट हो रहा है, ऊपर से तुम्हारी ये खटारा बाइक और खराब हो गई है। सब इनकी वजह से हो रहा है। आप ही पनौती है सबसे बड़ी। अरे आप चुप करो यार, बाइक खराब नहीं हुई है, पेट्रोल खत्म हो गया बाइक में। क्या? हाँ। एक तो भैया तुम्हारी बाइक में कभी पेट्रोल नहीं रहता। सच में पेट्रोल तो रहता है। तू जो एक ही दिन में मुझे 10 बार बाजार भेजती है ना सामान लेने, उस वजह से खत्म हुआ है। ओह नो। चलो। हाँ चलो, कम ऐसी हरकतें किया करो। आपकी वजह से हमें कितना दूर चलना पड़ेगा, वो भी पैदल। हील्स पहनी है मैंने। मैंने भी हील्स पहनी है। और पार्टी के लिए लेट हो रहा है, इतनी रेडी होके क्या मैं धूप में चलने के लिए आई हूँ? आपका कुछ पता नहीं, आपको मजा आता है लोगों को दिखाने में। ये जो भी हुआ ना आपकी वजह से हुआ है। बकवास मत करो। अरे तुम दोनों लड़ती रहोगी या चलोगी भी? हम वैसे ही लेट हो गए हैं, जल्दी आओ। अरे सुनो, मुझसे चला नहीं जा रहा, वो भी इतनी बड़ी हील में। आप मुझे इसमें बिठा लो ना, फिर चल पाऊंगी। अरे यार तुम पागल हो गई हो क्या? प्लीज बैठा लो, अब मैं चल सकती हूँ। चलो तो मैं भी बैठ जाती हूँ। इनको बिठा लिया तो मेरा तो वजन वैसे भी कम है। हाँ हाँ तू भी बैठ जा, और एक काम कर, इस बाइक को मेरे कंधे पर रख दो। एक एक करके बारी आएगी तो पहली बारी मेरी, आप उतरो। अरे यार थोड़े से चलने, तो बहुत दर्द हो रहा है। नहीं मैं भी बैठूंगी। तुम दोनों के ड्रामे से ना मैं तंग आ गया हूँ, अगली बार कहीं लेके नहीं आऊंगा तुम्हें मैं। थोड़ा सा मैनेज कर लो। वाह कितना सुकून मिल रहा है। नहीं हाँ आप कर सकते हो भैया, आप कर सकते हो। अरे चुप करो। एक तो खा खा के तुम्हारा वजन इतना भारी हो गया है, ऊपर से चढ़ाई पर तो उतर सकती हो कम से कम बाइक पे से। अरे सुनो, मेरा वजन भारी नहीं हुआ है, तुम्हारी बहन का हुआ है। मैं तो बहुत स्लिम हूँ, ये देखो कितनी पतली हूँ मैं। मैं भी पतली हूँ। तुम एक काम करो, तुम्हारा ग्लास तो मैं अभी करता हूँ। Oh, no. अरे ये आप क्या कर रहे हो? सुनो ऐसे तो हम कल तक भी नहीं पहुँचेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ, अगर कोई पेट्रोल पंप हुआ तो पेट्रोल ले आता हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे तुम इधर ही रुको दोनों यार, मुझे जाने दो। आप अकेले? हाँ अकेले हूँ तो पहुँच तो जाऊंगा, तुम दोनों को साथ लेके जाऊंगा तो तुम फिर बीच में कहीं लड़ने लगोगी। ठीक है भैया जल्दी आना, आराम से जाना। के साथ रोक दिया है मुझे। अब उतरो। पांक। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं भी ऐसे ही ठीक हूँ। अरे अरे ये क्या कर रही हो? एक तो लार इतनी गिराती हो सौदे में कि पूछो मत, पूरी पीठ गंदी कर दी। 1 घंटा हो गया भैया नहीं आए अभी तक, नींद आ गई थी। दिख रहे हैं भैया अगर आए होते तो हम घर नहीं होते अभी तक। आप चिल्ला क्यों रहे हो रोड पे? भैया को बहुत लेट हो गया है, और मैंने तो सुना है राजस्थान के जंगलों में बहुत ज्यादा जंगली जानवर होते हैं, उन्हें कुछ हो तो नहीं गया है? हे भगवान, मैं इनको बोलते बोलते थक गई थी कि इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस करा लो। इन्होंने तो वो तक नहीं कराया। ये क्या बोल रही है आप? मेरे भाई की फिक्र नहीं है आपको, पैसों की पड़ी है? पैसों की नहीं, अगर किसी ने काट लिया तो वही पैसे काम आएंगे इलाज कराने के लिए। पागल ये क्या बातें कर रही हो आप? Oops. अरे आपने तो बोला जंगली जानवर रहते हैं, इसीलिए बोला मैंने। हद होती है, पैसों की बात को लेकर आप लेकर आई हो, आप लालची हो। What? जंगल में चिल्लाओ मत, कोई जानवर कहीं हमारे पीछे ना आ जाए। कोई नहीं आएगा, और आपके पीछे आप तो छुड़ैल हो। सुनिए आपने, नहीं नहीं कोई कोई जानवर है यहाँ पर पक्का, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे मुझे तो छोड़ो, छोड़ मुझे। फोन करती हूँ। हाँ फोन करती हूँ। नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क नहीं है। अरे oh, no. अब क्या होगा हमारा? पकड़ो फोन पकड़ो, कोई भी नहीं है। हेलो भैया, हे भगवान प्लीज हमारी रक्षा करो। भैया कोई है यहाँ पर? कोई भी नहीं है इधर तो। एक काम करती हूँ मैं भैया को देख के आती हूँ, ठीक है? क्या पागल हो गया? मैं देख कर आती हूँ, आप इधर ही रुको, मैं देख कर आती हूँ। और बाइक का ध्यान रखना, अगर उनकी बाइक को कुछ भी हुआ तो आपको छोड़ेंगे नहीं जिंदा। बाइक का ध्यान रखना, मैं देख कर आती हूँ, पास में ही गए, लेकर आती हूँ, ठीक है? जल्दी लेके आना, मैं वेट कर रही हूँ। फिर से वही आवाज, किस चीज की आवाज है? एक बार देख कर ही आ जाती हूँ। एक तो दोनों मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए, और अभी तक कोई भी नहीं आया है, और ये बेकार सी बाइक, इसकी रखवाली मुझे करनी पड़ रही है। मैं देख के आती हूँ है क्या, उधर से आवाज आ रही है। अरे ये तो कुत्ते हैं, ये पक्का जंगली कुत्ते हैं, तभी बड़ी अलग सी आवाज निकाल रहे हैं। फालतू में डर रही थी मैं, और उनको देखो भाभी को डर के मारे भाग भी गई, बड़ी पागल है। जाती हूँ बाइक के पास। ये तो अभी तक भी नहीं आए दोनों में से कोई भी, 3 घंटे हो गए। अब मुझे लग रहा है इस बेकार सी बाइक को मुझे ही लेके जाना पड़ेगा, कितनी भारी है, चल भी नहीं रही मुझसे, कैसे ले जाऊंगी मैं? क्यों ना मैं इसको यही छोड़ जाऊं? What? अरे नहीं नहीं दहेज में आई है, भैया तो भैया मम्मी भी मुझे खूब मारेंगी। Oops. लेके जाना पड़ेगा। चलो मैं घर तक तो आ गई, लेकिन अब मम्मी को क्या बोलूंगी कि भैया भाभी को क्या हुआ है? मेरे को तो बहुत डर लग रहा है सोच सोच के। मम्मी ना हो घर पे, गुस्सा करेंगी कि मैंने उन्हें अकेला क्यों छोड़ा, जबकि अकेला उन्होंने मुझे छोड़ा था।
जाती हूँ अभी। यार क्या हुआ होगा भैया भाभी के साथ? यार भैया भाभी को कोई जानवर तो नहीं खा गया, शेर या चीता? मेरे को तो बहुत डर लग रहा है सोच सोच के भी। जैसी भी थी, अकड़ू लड़ाकू बदतमीज, पर थी तो मेरी भाभी। गुस्सा भी दिलाती थी लेकिन थी तो मेरी भाभी। पूरे टाइम डांट पड़वाती रहती थी लेकिन थी तो मेरी भाभी। मेरे काम में भी तो हेल्प हो जाती थी। हेल्प किया, सारा काम कुन से ही करवा देती थी मैं तो। क्या होगा, लगता है अब तो घर का सारा काम भी मुझे ही करना पड़ा करेगा। क्या हो गया ये? क्या मुँह दिखाऊंगी मैं मम्मी पापा को कि उनको भालू खा गया और मैंने कुछ किया भी नहीं? ये आवाज कैसी आ रही है घर पे? ओ जब मैं आई थी तो दरवाजा भी खुला हुआ था। यार क्या हुआ होगा भैया भाभी के साथ? लगता है जानवर घर में भी आ गया। oh, no. एक बार जाके देखना ही पड़ेगा, लेकिन चुपचाप जाती हूँ सैंडल उतार के ताकि मेरी आवाज ना आए। ऊपर से आवाज आ रही है लग रहा है। hey! भैया आप? हाँ बहन, क्या हुआ? और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। भैया आप जिंदा हो? जिंदा हो? हाँ। तो मैं कब मरा? मैं तो हमेशा से जिंदा ही था। आपको जंगली जानवर शेर चीता? शेर चीता? हाँ, जंगल। हाँ, मैं तुमको जंगल में छोड़ के आ गया ना। हाँ। अरे मैं जब पेट्रोल लेने गया था ना, वहीं पर मेरा दोस्त रमेश मिल गया। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे घर तक ड्रॉप कर दिया। अरे तो उसको वहां तक लेके आना था ना, बाइक तक। आप घर आ गए? यार रमेश लेकिन हम चार लोगों को थोड़ी ना बिठा के ले जाता बाइक पर। और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कि आपको शेर खा गया। भाभी कहाँ हैं? उनको कोई खा गया है। क्या बात कर रही है? हाँ, वहाँ पे जंगली जानवर की आवाज आ रही थी। लेकिन कोई बात नहीं भैया, हम आपकी दूसरी शादी करा देंगे। वैसे भी भाभी खास नहीं थी लेकिन आप ठीक हो, बस इतना बहुत है। बेकार सी तो थी, हम आपके लिए और भी अच्छी सुंदर सी भाभी लेके आएंगे जो बहुत सुंदर होगी, संस्कारी होगी, अच्छा खाना बनाती होगी। ये तो ड्रामा इतना करती थी, बहुत किचकिच मैं तो पक गई थी। लेकिन अच्छा है आप ठीक हो भैया, भगवान। अरे बहन ऐसा नहीं बोलते, तेरी भाभी तेरा भी तो कितना ख्याल रखती है। मेरा कब? आपने कब देखा? लड़ती रहती है, आपको नहीं पता। आपके सामने अच्छी बनती है बस। मुझसे तो लड़ती थी और मम्मी से भी दूर कर दिया आपको, भूलो मत कुछ भी। हाँ? अरे बहन ऐसा नहीं बोलते, आप तो प्यार में पागल। आप पागल तो नहीं हो गए भाभी गम में? अब भाभी को भुला दो भैया, वो जा चुकी है। क्या कर सकते हैं भगवान की इच्छा के आगे। अरे वो कहीं नहीं गई है। मुझे पता है आपका प्यार आपको ही कभी मानने नहीं देगा, लेकिन भैया समझो, रियलिटी में जियो, रियलिटी में। और आपको नहीं पता मुझे वहाँ जंगली जानवरों के बीच में छोड़ के भाग गए, लेकिन जानवरों ने उन्हें ही खा लिया। मुझे किसी ने नहीं खाया, मैं इधर ही हूँ जिंदा। ओह नो, ऑप्स। आई बड़ी अपने भाई की दूसरी शादी करवाने वाली, मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी इनसे कोई शादी नहीं करेगा। समझी, आत्मा की तरह भटकती रहूंगी आपके सर पर भी और आपके भाई के सर पर भी। भाभी आप जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ भैया, भाभी जिंदा है। मैं वही तो कह रहा था, बताया क्यों नहीं? एक बार हंसो दोनों के दोनों, मुझे पता है मेरे पीठ पे से क्या चल रहा था। और आप भी भूल गए कि मैं वॉशरूम में थी, मेरी बुराइयों पे लग रही इनके साथ। मैंने तुम्हारी बुराई कब की? रात का खाना आप दोनों ही बनाना, मैं कुछ नहीं करने वाली। मैं चली ऊपर सोने, ये बैठो। लेकिन ये बच्ची कैसे? अरे इसकी दोस्त इसको छोड़ने आई थी यहाँ तक, गाड़ी में बैठकर आई थी ये तो। मुझे किसी ने नहीं लिया ना, ना आपने लिया ना भाभी ने लिया। तेरे पास बाइक थी तो? वो खटारा बाइक जब नहीं चली तभी तो आप गए थे, भूलो मत। मैं भी जा रही हूँ, अब खुद ही अपना खाना बनाना, अपना देखना, सब कुछ आपके चक्कर में हुआ है, सब सुन लिया भाभी ने। हाँ? मैं क्यों खाना बनाऊं, मैं तो वैसे भी रमेश के साथ पार्टी करके आया हूं। सो जाता हूं, एक दिन भूखी सोएंगी अकल आ जाएगी। चलो जी, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अगली वीडियो मिलते हैं।